तो देखिए, इस वक्त आपको लेके चलते हैं सीधे इसरो के सेंटर से, जहां लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। हाँ, यह बिल्कुल सफलता ब्रांकर, पूर्वक उत्थापन SSLV-D3 लॉन्च व्हीकल का, 20 सेकंड, और फर्स्ट स्टेज यह अपने परफॉर्मेंस नॉर्मल। उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। क्लियर वेदर हियर इन श्रीहरिकोटा एंड अ गुड विजिबिलिटी फॉर द फ्लाइंग रॉकेट। प्लस 40 सेकंड, यह तीसरी उड़ान SSLV की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। द एक्शन टाइम ऑफ प्लस एस वन एस वन इज 115 सेकेंड्स। फ्लेक्स नॉजल फॉर पिच एंड योर स्टीयरिंग, फिन टिप एक्चुएशन फॉर द पैसिव रोल कंट्रोल। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। यहाँ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इसका कार्यकाल लगभग 115 सेकंड का होगा। इस दौरान यह लगभग 2500 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ यान को दिशा की ओर ले जा रहा है। Altitude of close to 68 kilometers in 114 seconds. प्लस 2 मिनट्स। Shar and Trivandrum tracking stations are currently acquiring the data. देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक बार फिर इतिहास रच चुका है, एक नया इतिहास रचा है इसरो ने। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया गया है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। भारत ने एक नया इतिहास यहाँ पर रचा है इस पूरे प्रक्षेपण के जरिए। और इसके अलावा आप देखिए, इसका जो काउंटडाउन था आज सुबह 3 बजे शुरू हुआ था। सैटेलाइट की लॉन्चिंग यहां पर की गई है। SSLV-D3 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग यहां पर की गई है इसरो की तरफ से। ये एक नया इतिहास रचा गया है। EOS-08 उपग्रह को SSLV-D3 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसके साथ ही साथ इसरो का यह मिशन देश ही नहीं दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपग्रह की मदद से पर्यावरण की मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन, भूकंप, सुनामी इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाया जा सकेगा। ये एक इतिहास रचा है यहां पर इसरो ने। अराउंड 200 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड, शार्ट ट्रिवेंड्रम एंड पोर्ट ब्लेयर स्टेशंस हैव करेंटली द विजिबिलिटी ऑफ द फ्लाइट। जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो ये बता रहा है कि किस दिशा में ये सैटेलाइट आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। EOS-08 उपग्रह को SSLV-D3 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया गया है। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से EOS-08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया गया। एक तरफ आप देखिए, वो ग्राफ आपको दिख रहा है, पैरामीटर्स दिखाई दे रहा है जो लॉन्चिंग इसरो की तरफ से की गई है उसका। और इस थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि सुबह 3 बजे से काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी थी, और अब इसरो ने SSLV-D3 रॉकेट लॉन्च कर दिया है। और ये जो अवलोकन उपग्रह है EOS-08, ये देश ही नहीं दुनिया के लिए काफी मददगार साबित होने वाला है, खासतौर पर प्राकृतिक आपदाओं को समय रहते पता लगाने की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण होगा। इसकी सफलता देश ही नहीं दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोस्टिंग इज इन प्रोग्रेस। दर्शक दीर्घा में यह साफ दिखाई दे रहा है, उन्होंने भरपूर आनंद लिया है प्रमोशन का। तो देखिए, जो दूर दूर से लोग इस खास मौके के लिए, ऐसे मौके के लिए इकट्ठा होते हैं, और
देश के हर नागरिक के मन में उत्साह होता है, अपने वैज्ञानिकों पर गर्व होता है, और ये वो टीम भी यहां पर मौजूद है जिसने इस सफल जो लॉन्चिंग हुई है उसमें दिन रात मेहनत की होगी। और अब आप ये कह सकते हैं कि इसरो ने इतिहास रच दिया है, इसरो के वैज्ञानिक मौजूद हैं, और इसके साथ ही साथ आप देखिए ये जो EOS-08 लॉन्च किया गया है ये काफी महत्वपूर्ण है, और SSLV-D3 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में EOS-08 भेजा गया है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए भी श्रीहरिकोटा में मौजूद हमें दिखाई दिए, और आप देखिए सफल प्रक्षेपण यहां पर किया गया है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का, और SSLV-D की मदद से उड़ान भरी है अंतरिक्ष में। यहां पर ये जो नया उपग्रह EOS-08 इसरो ने इसके माध्यम से इतिहास रच दिया है। EOS-08 उपग्रह के तीन मुख्य नितभार हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड। देखिए आपदा को लेकर अलर्ट देगी ये सैटेलाइट, इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के लिए इसका अपना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, एक बड़ी सफलता मानी जा रही है इसरो की।